हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी एवीएस टीचर हिमानी एंड आज हम करने वाले हैं चैप्टर 8 क्लासरूम थिंग्स। स्टूडेंट्स, चैप्टर 8 क्लासरूम थिंग्स का ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम सभी ने चैप्टर 7 के एक्सरसाइजेस को कंप्लीट किया था एंड आई होप आप सभी चैप्टर 7 की लेफ्ट एक्सरसाइजेस को होमवर्क से कंप्लीट करके लाए होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर 8 क्लासरूम थिंग्स, जो कि आप सभी को आप सभी की बुक्स में पेज नंबर 49 पर गिवन है। सो सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में पेज नंबर 49 ओपन कर लीजिए। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को पेज नंबर 49 पर हेडिंग मिल गई होगी, चैप्टर 8 क्लासरूम थिंग्स। चलिए तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तान्या, इज दिस योर बैग? सो तान्या कहती है कि क्या ये तुम्हारा बैग है? इज दिस योर बैग? कनिका, यस इट इज। आर दीज योर बुक्स? सो कनिका बोलती है हाँ ये तुम्हारा बैग है। यस इट इज, यस इट इज, ये मेरा बुक है, मेरा बैग है, लेकिन क्या ये किताबें तुम्हारी हैं? आर दीज बुक्स योर्स? आर दीज योर्स बुक्स? तान्या, नो दीज आर नॉट माइन। जबकि तान्या क्या कहती है, नहीं ये तो मेरी बुक्स नहीं है। दीज आर राशिज बुक, कि ये किसकी बुक्स हैं? ये राशि की बुक है, मेरी बुक नहीं है। राशि, यस दीज आर माई बुक्स, लेट मी पुट देम इन माई बैग। तो राशि कहती है कि अरे हाँ ये बुक्स तो मेरी हैं, चलो लाओ मेरे को इसे अपने बैग में रखने दो। तान्या, इज दिस योर पेंसिल कनिका? सो तान्या कनिका से पूछती है कि क्या ये पेंसिल तुम्हारी है कनिका? कनिका, नो इट इज नॉट माइन। कनिका क्या कहती है कि नहीं ये पेंसिल मेरी नहीं है। माई पेंसिल इज ग्रीन इन कलर, कि मेरी पेंसिल तो ग्रीन कलर की है, ग्रीन मीन्स हरे रंग की है। सो ग्रीन मीन्स होता है स्टूडेंट्स हरा। ओके स्टूडेंट्स, सो कनिका क्या कहती है, नहीं ये पेंसिल मेरी नहीं है क्योंकि मेरी पेंसिल तो ग्रीन कलर की है। दैट इज इन माय बैग, जो कि मेरे बैग में ही है। मतलब मेरी पेंसिल ग्रीन कलर की है और वो मेरे बैग में ही है, तो ये जो पेंसिल तुम दिखा रही हो ये मेरी नहीं है। Is this your pencil, राशि? और कनिका साथ ही राशि से भी पूछ लेती है कि देखो राशि कहीं तुम्हारी तो पेंसिल नहीं है, क्या ये तुम्हारी पेंसिल है? राशि, नो इट इज नॉट, माई पेंसिल इज इन माई बैग। सो राशि भी कहती है कि नहीं ये मेरी पेंसिल नहीं है क्योंकि जो मेरी पेंसिल है वो मेरे बैग में है। जैसे कनिका की पेंसिल कनिका के बैग में थी, तो राशि बोलती है कि मेरी पेंसिल भी मेरे बैग में है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पर। तान्या, गिव इट टू मी, दिस मस्ट बी अगम्स पेंसिल। सो तान्या कहती है कि अच्छा चलो मुझे दे दो, ये पेंसिल शायद अगम की होगी। आई विल गिव इट टू हिम, goes to Agam, Agam is this your pencil? So तान्या कहती है कि ये पेंसिल शायद अगम की होगी और मैं उसे ये पेंसिल दे दूंगी। और फिर वो अगम के पास चली जाती है और अगम से पूछती है कि अगम क्या ये पेंसिल तुम्हारी है? अगम, yes Tanya, this is my pencil, thank you. So अगम कहता है कि हाँ तान्या ये तो मेरी ही पेंसिल है और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरे को पेंसिल ढूंढ के दी मेरी। थैंक यू मीन्स होता है स्टूडेंट्स धन्यवाद।
थैंक यू मीन्स धन्यवाद. सीमा अगम, आर दोज योर शूज? फिर सीमा अगम से पूछती है कि अगम क्या वो जूते तुम्हारे हैं? अगम, यस दोज आर माई न्यू शूज. सो अगम बोलता है कि हाँ वो मेरे नए जूते हैं. न्यू मीन्स नए, नया. सो अगम क्या बोलता है कि हाँ ये न्यू शूज मेरे हैं. तान्या, वेयर देम टू स्कूल टुमारो, के इन्हें तुम कल स्कूल में पहन के आना. सो टुमारो मीन्स होता है स्टूडेंट्स अगला दिन, नेक्स्ट डे या फिर कल. अगला दिन, ओके स्टूडेंट्स, टुमारो मीन्स कल या फिर अगला दिन. चलिए, सो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा जो ये चैप्टर है ये फिनिश हो जाता है. और हमने इस चैप्टर में कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स भी सीखे थे, जैसे कि ग्रीन विच मीन्स हरा, नेक्स्ट थैंक यू मीन्स धन्यवाद, न्यू मीन्स नया, नेक्स्ट टुमारो, टुमारो मीन्स कल, कल में भी अगला दिन. ओके स्टूडेंट्स, सो ये तो वो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जो हमने इस चैप्टर में से ढूंढे हैं. अब हम उन डिफिकल्ट वर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं, उन डिफिकल्ट वर्ड्स को पढ़ लेते हैं जो हमें बुक में ही गिवन है, वो भी आपके चैप्टर के बॉटम में नीचे की तरफ दिए गए हैं. सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स चैप्टर में गिवन डिफिकल्ट वर्ड्स से. सो स्टूडेंट चैप्टर में जो डिफिकल्ट वर्ड दिए गए हैं उसमें सबसे पहला वर्ड है माइन. माइन मीन्स मेरा, दैट बिलोंग्स टू मी. Mine, which means that belongs to me. Okay, students, जो मुझसे belong करता हो या मेरा. Next word is put. Put means होता है रखना या फिर keep. Put means students keep. अब आ जाते हैं next word पर students, जो कि है wear. Wear means पहनना और put on.
वियर मीन्स पहनना या फिर पुट ऑन. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है सभी को? इसी के साथ ये हमारे डिफिकल्ट वर्ड्स कंप्लीट हो जाते हैं. चलिए एक बार इन डिफिकल्ट वर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं. सो हमारा फर्स्ट डिफिकल्ट वर्ड था स्टूडेंट्स माइंड, विच मीन्स दैट बिलोंग्स टू मी. माइंड मीन्स दैट बिलोंग्स टू मी. नेक्स्ट इज पुट. पुट मीन्स कीप. नेक्स्ट इज वियर. वियर मीन्स पुट ऑन. और इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारे डिफिकल्ट वर्ड्स कंप्लीट हो जाते हैं. और अब हम आ जाते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज पर. जो कि आपको दी गई है पेज नंबर 50 पर. तो सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में पेज नंबर 50 ओपन कर लेंगे. एंड आई होप आप सभी को पेज नंबर 50 पर हेडिंग भी मिल जाएगी एक्सरसाइज. ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज ए से. टिक द करेक्ट ऑप्शन. टिक द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स वो है दे आर डैश बुक्स. दीज आर डैश बुक्स. These are dash books and options हमें दिए गए हैं स्टूडेंट्स तान्यास, कनिकास, एन ऑप्शन सी है राशीज. सो दीज आर डैश बुक्स. तो बुक्स आखिर में किसकी थी स्टूडेंट्स? तान्या की थी, कनिका की थी या राशि की थी? सो बुक्स थी राशि की. सो आप स्टूडेंट्स इन तीनों ऑप्शंस में से ऑप्शन सी पर टिक करेंगे राशीज. दैट दीज आर राशीज बुक्स. ओके स्टूडेंट्स, आई होप इट इज क्लियर टू यू. चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड इसी एक्सरसाइज के सेकेंड क्वेश्चन पर. कनिकास पेंसिल इज डैश इन कलर.
कनिका'स पेंसिल इज डैश इन कलर, एंड हमें ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो हैं रेड, ग्रीन, येलो। तो बताइए स्टूडेंट्स, कनिका की पेंसिल कौन से कलर की थी? रेड कलर की थी, ग्रीन कलर की थी या येलो कलर की थी? सो कनिका की पेंसिल थी स्टूडेंट्स ग्रीन कलर की। सो आप ग्रीन कलर पर टिक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगम हैज डैश शूज। अगम हैज डैश शूज। सो अगम के कैसे शूज थे? इस क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट्स हमें ऑप्शंस दिए गए हैं ओल्ड, न्यू, टॉर्न। ओल्ड, न्यू, टॉर्न। सो स्टूडेंट्स, अगम के शूज थे न्यू, इसलिए हम ऑप्शन बी न्यू पर टिक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एंड इसी के साथ ये जो हमारी एक्सरसाइज ए है ये कंप्लीट हो जाती है। चलिए एक बार फिर से इसे रीरीड कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमें इस एक्सरसाइज में बोला गया था कि हमें चूज करना है, टिक करना है करेक्ट ऑप्शन को। सही ऑप्शन पर क्या करना है? टिक। ओके, सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट सेंटेंस था, वो था दीज आर डैश बुक्स। सो अकॉर्डिंग टू द चैप्टर में हमने पढ़ा था कि आखिर में वो बुक्स किसकी थी, वो किसकी पता चली थी। सो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं स्टूडेंट्स, उसमें है तान्यास, कनिकास एंड राशिस। सो एक्चुअल में बुक्स किसकी थी? सो एक्चुअल में बुक्स निकली थी राशि की। कनिका और तान्या तो एक दूसरे से पूछ रहे थे कि ये बुक किसकी है, ये बुक किसकी है, और फाइनल में बुक्स किसकी निकली थी स्टूडेंट्स? बुक्स निकली थी राशि की। सो इसलिए हमने फर्स्ट सेंटेंस में ऑप्शन सी पर टिक किया और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ किस तरीके से? दीज आर राशिस बुक्स। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन, ये वाला पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, सेकंड पार्ट पर, जो कि है कनिका'स पेंसिल इज डैश इन कलर। कनिका की पेंसिल किस कलर की थी? ऑप्शन थे रेड, ग्रीन, येलो। सो स्टूडेंट्स, कनिका की पेंसिल थी ग्रीन कलर की। नेक्स्ट, अगम हैज डैश शूज। अगम के कैसे शूज थे? ओल्ड, न्यू, टॉर्न। सो अगम के थे न्यू शूज। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज ए कंप्लीट हो जाती है। आप सभी को होमवर्क से इस चैप्टर को रीरीड करना है, साथ ही साथ आज कराई गई एक्सरसाइजेस और डिफिकल्ट वर्ड्स को लर्न भी करके आना है। दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।